हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राइट नाउ वी आर इन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, और आज हम लोग जा रहे हैं ऐसी जगह पे जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और वहां पे जाना हर किसी के लाइफ का ड्रीम होता है। यस, इट इज़ लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई टूरिस्ट आने का सपना देखते हैं। इंडस रिवर के किनारे बसा यह लद्दाख मीन सी लेवल से लगभग 3500 से 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हम लोग सीधा अपने होटल जन लद्दाख की ओर पहुंचे। यह होटल एयरपोर्ट से लगभग 4 किलोमीटर और लेह मेन मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस, टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे इन लद्दाख। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक दो जगह जाने की सोच रहे हैं, जिसमें पहले हम लोग लेह पैलेस जाएंगे। लेह पैलेस एयरपोर्ट से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और लेह पैलेस का निर्माण 15वीं सदी में राजा सेंगेंग नामग्याल द्वारा किया गया था। यह पैलेस 9 मंजिल का है और ये आम जनता के लिए खुला रहता है। उसके टॉप फ्लोर से लेह और उसके आसपास के क्षेत्र के मंत्रमुग्ध कर देने वाले व्यूज आपको दिखाई देंगे। लेह पैलेस के वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाना लगभग असंभव है और हर मायने में अमूल्य है। लेह पैलेस को विजिट करने के बाद हम लोग सीधा लेह मार्केट के लिए निकले। लेह गए और लेह मार्केट ही ना घूमे तो लेह जाना ही बेकार है, क्योंकि रात के समय लेह मार्केट का नजारा देखने लायक होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ आवर सेकेंड डे इन लद्दाख। कल हमारा पहला दिन था, तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से सर में दर्द होने के कारण हम ज़्यादा प्लेसेस घूम नहीं पाए, और आज हम काफ़ी फ्रेश हैं और लेह घूमने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे पहले डेस्टिनेशन की ओर निकलेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे संगम पॉइंट की ओर।
लेह से संगम पॉइंट का रास्ता बेहद खूबसूरत और मनमोहक है। दिस इज संगम पॉइंट और यहाँ पर दो नदियाँ सिंधु और झंस्कार आकर एक दूसरे में मिल जाती हैं। ये नीला आसमान, ये रंग बिरंगी पहाड़ और उनके बीच ये खूबसूरत रास्ते कोई स्वर्ग से कम है क्या? संगम पॉइंट विजिट करने के बाद हम लोग सीधा थिस्की मॉनेस्ट्री के लिए निकल पड़े। रास्ते में आप मैग्नेटिक हिल और गुरु पत्थर साहिब भी विजिट कर सकते हैं। हॉल ऑफ फेम देखने का हमारा काफ़ी मन था, बट इंडिपेंडेंस डे के कारण उसको पब्लिक के लिए बंद करके रखा था। This is main entrance of Thiski Monastery. थिस्की मॉनेस्ट्री लद्दाख के सबसे खूबसूरत मॉनेस्ट्री में से एक है। यह मॉनेस्ट्री समुद्र तट से लगभग 11,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जो लेह पहाड़ियों पर बसी 12 मंजिल की ऊंची मॉनेस्ट्री है। इस मॉनेस्ट्री का मुख्य आकर्षण उसके अंदर बनी 50 फीट मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है। मॉनेस्ट्री कवर करने के बाद हम लोग सीधा रेंजर स्कूल पहुंचे, जहां पर थ्री इडियट्स मूवी का शूटिंग किया गया था। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है? अगर नहीं तो हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शांति स्तूप की ओर, जिसकी खूबसूरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह शांति स्तूप लद्दाख आए 90% टूरिस्ट को आकर्षित करता है। उसका कारण इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता, इसके आसपास का शांत प्राकृतिक वातावरण और लेह शहर का सुंदर नजारा है। हमारी आज की नाइट होटल अब्दुस में है और कल हम लोग अर्ली मॉर्निंग नुब्रा के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।